अमेठी से आदित्य शुक्ला की रिपोर्ट। अमेठी में 71 पहुंची कोविड 19 मरीजों की संख्या, 33 मरीज एक साथ मिले पॉजिटिव। बात करते हैं हम अमेठी की, जहां 50 दिनों तक ग्रीन जोन और कोरोना फ्री डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में रहने वाले अमेठी जिले में मंगलवार को एक साथ 33 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सभी मरीजों को आइसोलेशन के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी है और पॉजिटिव मिले सभी मरीजों को जिला अस्पताल में बनाए गए एक कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का उपचार किया जाएगा। आज मिले 2.5 दर्जन पॉजिटिव मरीजों में दर्जन भर के ऊपर मुंबई से आए प्रवासी मजदूरों के साथ अन्य प्रांतों से आए मजदूर शामिल हैं। अमेठी डीएम ने की पुष्टि, जिले में 71 पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या, 9 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं घर। अमेठी जिला अधिकारी ने मरीजों की पुष्टि करते हुए बताया कि एसजीपीजीआई से आज मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट आई है। इसमें कुल 33 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इन रिपोर्ट के आंकड़ों के बाद जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 71 हो गई है, जबकि इसके पहले कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 80 हो गई थी, लेकिन इनमें 9 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद वे अब पूरी तरीके से ठीक होकर घर जा चुके हैं। इन इलाकों के रहने वाले हैं आज मिले सभी संक्रमित मरीज। आज मिले मरीजों में जिले के गौरीगंज में 6, सिंहपुर ब्लॉक में 6, जगदीशपुर ब्लॉक में 4, भेटुआ ब्लॉक में 4, बाजार शुक्र ब्लॉक में 4, जामो ब्लॉक में 3, शाहगढ़ और मुसाफिरखाना ब्लॉक में 2, बतलोई और संग्रामपुर ब्लॉक में 1-1 केस पाए गए हैं। इलाकों को सील करने के साथ प्रशासन करा रहा सुरक्षा के इंतजाम। बताते चले कि 5 मई के बाद अमेठी में लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ने लगा और 25 मई तक मरीजों की संख्या 47 पहुंच गई थी। आज आई जांच रिपोर्ट में 33 मरीजों के एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कुल मरीजों की संख्या 80 थी, लेकिन इनमें 9 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जिसके बाद अमेठी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 71 है। फिलहाल अमेठी के जिन इलाकों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उन इलाकों को पूरी तरीके से सील करने के साथ उन इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है। साथ ही डोर टू डोर स्वास्थ्य कर्मी और नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर सर्वे भी कराया जा रहा है। साथ ही आवश्यक कार्यों को छोड़कर पूरे इलाके में सभी के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही प्रशासन पूरे जनपद के साथ कोरोना वायरस संक्रमित इलाकों में विशेष सुरक्षा बरत रहा है, जिससे भविष्य में संक्रमण का खतरा ना बढ़े।